आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों, बात करें मकर संक्रांति के बारे में तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है। बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। आप सभी जानते हैं जब ये उत्तरायण प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन हो गए, और जब दक्षिणायन का समय होता है तो उसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और इसलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का, और जब उत्तरायण हुआ तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और तब तक वो बाण शैया पर ही लेटे रहे, तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी धर्म करने के लिए इस दिन को, यानी कि मकर संक्रांति के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य देव पहली बार पत्नी छाया और उनके बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था, और फिर भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि इस बार मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो आज के वीडियो में आप जान लेंगे कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय क्या होगा, महापुण्यकाल का समय क्या होगा, और मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का किस प्रकार से दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन की पूजा विधि क्या होती है, सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए, और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, अब बात करें सबसे पहले कि मकर संक्रांति है कब। देखिए, जब भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो भगवान सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 जनवरी को प्रातःकाल 2:54 पर। ऐसे में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। आप बात करें कि आज के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो देखिए आज के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। हर मास समाप्त होता है तो सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद कहा जाता है कि गंगा स्नान आज के दिन जरूर करना चाहिए। तो अब देखिए, गंगा स्नान तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सब लोग गंगा में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद जैसे कि उत्तरायण का दिन होता है तो कहा जाता है कि शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रयास कीजिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। मकर संक्रांति की तिथि समर्पित होती है भगवान सूर्य देव को, इसलिए भगवान सूर्य देव के प्रिय रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, और भगवान सूर्य देव की विधि विधान से आज के दिन पूजा करनी चाहिए। देखिए, भगवान सूर्य देव जो कि आत्मा के कारक होते हैं, हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में राजा का स्थान मिला है भगवान सूर्य देव को, तो अगर जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से कमजोर है या फिर चाहते हैं कि समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति की कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, या फिर आत्मविश्वास की कमी है। कई बार क्या होता है कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, ऐसे में आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं ठीक तरह से। तो इसलिए आवश्यक है कि भगवान सूर्य देव की पूजा करें।
अब भगवान सूर्य देव को आज के दिन जल में आपको थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा रोली, हल्दी, अक्षत डालकर अर्घ्य देना चाहिए। और हाँ, अर्घ्य के लिए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र जरूर होना चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्य देव की धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास लाल फूल हो तो जल में आप थोड़ा लाल फूल भी डाल सकते हैं, नहीं तो रोली डालकर भी और थोड़े से काले तिल डालकर भी भगवान सूर्य देव को जल दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव की चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप चाहे तो सुन भी सकते हैं अगर पराच नहीं पाते हैं तो, नहीं तो अगर आज के दिन आप भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से भी इन मंत्रों के द्वारा भी भगवान सूर्य देव को आप अर्घ्य दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान श्री देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके बाद भगवान को गुड़ का भोग लगा दीजिए और उनकी आरती कर लीजिए, और भगवान सूर्य देव को जो आप भोग लगाएंगे गुड़ का, वो प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के सभी सदस्य भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हमारे यहां से सूर्य दिखाई ही नहीं देते हैं, तो फिर हम क्या करें? देखिए, आप भगवान सूर्य देव का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिखाई देते हैं बहुत अच्छी बात है, अपनी छत पर या बालकनी पर खड़े होकर और उनको अर्घ्य दे दीजिए, या फिर अपने घर में भी भगवान सूर्य देव का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, मंत्र जप तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी होता है मकर संक्रांति के दिन दान करना, तो आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, आज के दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, मतलब दाल चावल मिलाकर भी आप दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान आज किया जाता है, काले तिल का दान किया जाता है, इसके साथ ही घी का दान करना चाहिए। आज शुद्ध घी का दान करने से भगवान सूर्य देव की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अभी जैसे कि सर्दियां हैं तो आप गर्म वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। दान किसे दें? देखिए, दान आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, मतलब देना ही है ब्राह्मण को तो। दोस्तों, इसके अलावा भी आप चाहें तो जैसे कि किसी भी जरूरतमंद को, किसी गरीब को जिनके यहां भी खाने पीने की दिक्कत होती है, उन्हें आप खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को। ओके, तो मतलब अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए, कुछ चीजें ब्राह्मण को दान कीजिए और कुछ चीजें आप किसी गरीब जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन खाने में खिचड़ी बनाई जाती है, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर और इसी का भोग भगवान को लगाया जाता है और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण किया जाता है, तो आज खिचड़ी खाना आवश्यक माना जाता है। वैसे देखिए, हर जगह की परंपरा थोड़ी बहुत अलग होती है, हर जगह इस त्योहार को मनाया जाता है लेकिन थोड़े अलग अलग नाम से, अलग अलग रीति रिवाज के साथ, तो जिस प्रकार से आपके यहां होता है आपको उसी प्रकार से मकर संक्रांति मनानी चाहिए। दोस्तों, अब बात करें कि आज के दिन पुण्यकाल का समय क्या रहेगा और महापुण्यकाल का समय क्या रहेगा। तो देखिए, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और 15 जनवरी को प्रातःकाल 7:15 से शाम को 6:21 तक पुण्यकाल का समय रहेगा। अब पुण्यकाल में आपको क्या क्या करना है, देखिए, पुण्यकाल के समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी शुभ कर्म इस समय में आप करते हैं उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। अब एक समय होता है जिसे महापुण्यकाल कहा जाता है, मतलब इसमें जो फल आपको प्राप्त होगा वो कई गुना होकर प्राप्त होगा। पुण्यकाल तो पूरे दिन रहने वाला है, तो पूरे दिन में आप कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन महापुण्यकाल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस समय में जो भी आप दान करते हैं उसका महापुण्य आपको प्राप्त होता है, बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, तो वो समय रहेगा प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:06 तक, तो ये सुबह सुबह का समय है। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए। अब देखिए, स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए,
लेकिन दान या फिर मंत्र जप इत्यादि या भगवान सूर्य देव की जो आप पूजा करेंगे वो आप 7:15 से सुबह 9:06 तक जरूर कर लीजिए। ये महापुण्य काल का समय है, तो मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में प्रकाश की वृद्धि हो और आप हर प्रकार के कार्यों में सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय को वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज खिलानी चाहिए जिससे हमारा घर धन धान्य से भर जाए। भगवान शनि की कृपा बरसे, सूर्य हमारा बलवान हो जाए। राहु केतु पितृदोष शनि का दोष, गरीबों का दोष हमें कभी ना सताए। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, पूरा जीवन करोड़पति के साथ बीते, सुखपूर्वक जीवन बीते। मकर संक्रांति के दिन आप भी गाय को यह चीज जरूर खिलाएं। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए ये आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज के इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना, बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान जो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ
पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन, मतलब ये जो मकर संक्रांति के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में दो साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना मांगकर, दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष को यह उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा दोस्तों। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती थी, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमते हैं सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किस तरह कौन कौन से उपाय करने हैं ध्यान से सुनना, किस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत चमका देंगे। मकर संक्रांति से आपको लाभ प्राप्त होगा। शुरू करते हैं दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा भी आपकी जरूर ही सफल होगी और आप जिसके लिए भी निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती हैं तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। दोस्तों, ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। एक कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धा आश्रम का वध कर दिया था।
जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। दोस्तों परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं, ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूह लेने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है, ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है, अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाए, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए। दोस्तों गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम में उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाए और बासी रोटी को बिल्कुल न रखें। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ मकर संक्रांति पर आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए, इसके बाद गाय को खिलाए। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरे रहें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहें, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे, जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार मकर संक्रांति पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और मकर संक्रांति पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। दोस्तों अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं।
गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय गो माता मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गाय माता के लिए एक लायक तो बनता है।